सिंगरौली जिले में मोरवा के टावर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। एक युवक ने पड़ोसी महिला के साथ जमकर मारपीट की और पत्थर से महिला के सर पर मारकर लहूलुहान कर दिया। दोनों पक्षों ने मोरवा थाने पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराई है। एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि दो पड़ोसियों के बीच जमीन पर अवैध कब्जे की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत करवाया। दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं, वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मारपीट में शामिल सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जब मोरवा करके एक जगह है, मोरवा थाना अंतर्गत, ये दो पड़ोसी हैं जो सरकारी जमीन में रहते हैं और उसी जमीन को लेकर के इनका आपस में विवाद है। महिला ने पुरुष को जो है पत्थर और ईंटे से मारा था और पुरुष ने भी उसको पकड़ा मारने के लिए, तो महिला ने उस दांत काट लिया। दोनों के विरुद्ध जो है काउंटर केस कायम है और विवेचना चल रही है।